अब हम जानेंगे इसके चैप्टर के बारे में और ये काफी छोटा होगा तो आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तो देखिए हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्वों को, वो इसलिए कि इससे आपको समझने में काफी आसानी होगी। देखिए ऐसा होता है, हम एक बात जानते हैं कि इस यूनिवर्स की हर एक चीज जो है बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, बहुत ही ज्यादा छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु जो है उसके दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है उसका नाभिक और दूसरे होते हैं उसके चारों ओर जो कक्षक होते हैं या के एनर्जी लेवल्स होते हैं या सेल्स जो भी आप उन्हें कहें, ठीक है। ये दो मेन भाग होते हैं। अब जो आपके कोश या कक्षक जो होते हैं उनके भी उनमें भी उपकोष होते हैं, ठीक। अब यहां पर क्या है कि चार उपकोष होते हैं, एस पी डी एफ, ठीक है। यहाँ पे एस और पी को नहीं, यहाँ पे डी और आपका एफ को पूछा गया है। तो हम बात करेंगे आपके डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्वों की। तो देखिए होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि कोई आपका ऐसा है कि कोई भी आपका परमाणु है जिसके अंदर आपके एन टोटल कक्षक है। कितने कक्षक है टोटल? एन कक्षक है, यानी कि उसमें एन कक्षाएं हैं। हमें नहीं पता पांच या छह कुछ भी हो सकते हैं, मान लेते हैं, मान लीजिए आपकी पांच कक्षाएं हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई आपका परमाणु ऐसा है कि जिसमें पांच कक्षाएं हैं और अगर उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है अगर वो चौथी कक्षा में जाकर के गिरता है, ठीक है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो चौथी कक्षा में जाकर के गिरता है, तो इन्हें हम बोल देते हैं कि ये जो है आपके डी ब्लॉक तत्व है। या फिर इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब किसी परमाणु का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट वाली से एक पहले वाली कक्षा एक पहले वाले कक्षक के डी उपकोष में जाता है या प्रवेश करता है तो उसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक तत्व। आपको कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुआ हो तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि मान लीजिए कि कोई आपका परमाणु है जिसमें एन कक्षक है तो एन से एक पहले वाली ऑर्बिट कौन सी होगी? एन माइनस वन होगी, ठीक है। तो एन से लास्ट वाली ऑर्बिट जो है, लास्ट वाला जो कक्षक है उससे एक पहले वाले कक्षक के डी उपकोष में अगर किसी तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन गिरता है तो उसे हम बोल देते हैं कि यह डी ब्लॉक तत्व है, ठीक है ना। तो सीधी बात है कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी यानी कि लास्ट वाली कोश से पहले वाले कोश के डी उपकोष में प्रवेश करता है तो बोल देते हैं कि ये जो है ये डी ब्लॉक तत्व है। बात करें एफ ब्लॉक तत्वों की तो एफ ब्लॉक तत्वों में ये एन माइनस टू हो जाता है, यानी कि लास्ट वाला जो कक्षक है उससे दो पहले वाले कक्षक में जो लास्ट दो पहले वाले कक्षक में आपका जो एफ ब्लॉक तत्व है, एफ ब्लॉक तत्व जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट वाली कक्षा से दो पहले वाली कक्षा के एफ उपकोष में प्रवेश करता है। तो आप बोल देंगे वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन वहाय से अंदर के द्वितीय कोष यानी कि लास्ट वाली कोई ऑर्बिट है, ये लास्ट वाली है तो इससे एक अंदर वाली यानी कि इससे ये दूसरा हो गया, इसके बाद में जो तीसरा है इसके एफ उपकोष में गिरेगा। इन शॉर्ट वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर से अंदर की तरफ दूसरी वाली कक्षा के एफ उपकोष में गिरता है तो उसे हम एफ ब्लॉक तत्व तो कह देते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन के हिसाब से भी अपने आसानी से समझ सकते हैं कि अगर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पहली लास्ट वाली कक्षा से एक पहले वाली कक्षा में गिरे, लास्ट वाली से पहले वाली कक्षा में गिरे और लास्ट वाली कक्षा से पहले वाली कक्षा के डी उपकोष में गिरे तो डी ब्लॉक तत्व और लास्ट वाली कक्षा से दो अंदर वाले कोष के एफ उपकोष में गिरे तो एफ ब्लॉक तत्व। बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा अब ये जो होते हैं आपके डी ब्लॉक तत्व इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं और इन्हें हमने आवर्त सारणी में 1B आपका 2B 3B 4B 5B 6B 7B और 8वें वर्ग के अंदर रखा है, ठीक। और जबकि जो आपके एफ ब्लॉक तत्व हैं उन्हें हम क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं और इन्हें हमने आवर्त सारणी में सबसे नीचे एक्टिनाइड और लैंथेनाइड में रखा है, ठीक। बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 s² n-1 p6 n-1 d1 से लेकर के 10 तक। जबकि जो हमारे ये जो होते हैं एफ ब्लॉक तत्व इनका होता है n-2 s² n-2
P6N-2 d वर्ग वन से 2 तक, जबकि और N-2 f वन से 14 तक, और ये आपका शुरुआत में होता ही है उसके N-1 s² N-1 p6 N-1 d10। ठीक, तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस तरह से होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भूल जाए, आपको समझ में ना आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसे पूछा जाता है तो इसे आप बहुत ही ध्यान से रखें। या बात करें इनकी कि इनका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है सी, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो इस तरह से होता है 1s² पहले ऑर्बिट में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 1s² दूसरे ऑर्बिट में कितने होते हैं 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, आपका 2s² 2p6। यहाँ पे ये जो शुरुआत में 1 लिख रहा है तो मतलब इसका है पहला कक्षक, और s का मतलब है आपका s ऑफकोर्स, 2 जो लिख रहा है इसका मतलब है दूसरा कक्षक, s का मतलब है s ऑफकोर्स, और p का मतलब है p ऑफकोर्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो दूसरा आपका कक्षक होता है उसके s ऑफकोर्स में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कितना हो गया 2 और 2 4 और 6 10 हो गया। ठीक है, और जो तीसरा कोश है उसके पहले s में 2 यानी कि 12 हो गए, और p में कितने तीसरे के में 6 यानी कि 18 हो गए, और एक गिरता है d में। ठीक, और इसके बाद में चौथे के s में गिर जाते हैं 2। अब आप देख सकते हैं कि जो लास्ट वाली कक्षा है इसकी sc की, इसमें क्या है कि लास्ट वाली कक्षा में आप देख सकते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली कक्षा क्या है 4s², जबकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां गिरता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन इधर गिरता है। बात करें f ब्लॉक तत्वों के एग्जांपल की, तो इसके बाद में लैंथेनाइड जो है उन्हें हम डिटेल में देखेंगे, और उनका हम ये भी देखेंगे कि आपका संकुचन वगैरह कैसे होता है, तो वहां पे उसका एग्जांपल हम देख लेंगे। यहां पे इस वीडियो की लेंथ को नहीं बढ़ा रहे क्योंकि फिर हमें इसे करना ही करना। ठीक है, अब हम बात करें लक्षणों की, तो डी ब्लॉक तत्व जो है वो सभी के सभी धातु हैं, सेम आपके जो एफ ब्लॉक तत्व है वो भी सभी धातु हैं। डी ब्लॉक तत्व जो है वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, सेम आपका जो एफ ब्लॉक तत्व है वो भी परिवर्ती संयोजकता ही प्रदर्शित करते हैं। और आप एक बात और याद रखिएगा, हमने यहाँ पे सेम सेम लिख दिया है, आप इस तरह से ना लिखें, आप सीधा लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है डी ब्लॉक तत्व सभी धातु है, आप यहाँ पे लिखेंगे एफ ब्लॉक तत्व सभी धातु है। ठीक है, अच्छा डी ब्लॉक तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ऐसे आप लिखेंगे एफ ब्लॉक तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं इनके क्वथनांक और आपके गलनांक जो है वो काफी उच्च होते हैं, ऐसे ही आपके जो एफ ब्लॉक तत्व हैं उनके क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। जो डी ब्लॉक तत्व हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण आपकी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ही जो एफ ब्लॉक तत्व हैं वो भी परिवर्ती आपकी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। बात करें व्यत्व धनात्मकता की, तो जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं उनकी व्यत्व धनात्मकता एस ब्लॉक तत्वों से कम और पी ब्लॉक तत्वों से अधिक होती है। सेम ऐसे ही आपका किसी में होता है एप्लॉक तत्वों में, कि जो एप्लॉक तत्व होते हैं उनकी द्वैत्व धनात्मकता जो होती है वो एस ब्लॉक तत्वों से कम और पी ब्लॉक तत्वों से अधिक होती है। बात करें द्वैत्व धनात्मकता की, तो द्वैत्व धनात्मकता क्या है कि जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं उनकी द्वैत्व धनात्मकता एस ब्लॉक तत्वों से अधिक और पी ब्लॉक तत्वों से कम होती है। ऐसे ही जो एप्लॉक तत्व है उनकी जो द्वैत्व धनात्मकता होती है वो एस ब्लॉक तत्वों से तो ज्यादा होती है और पी ब्लॉक तत्वों से कम होती है। जो डी ब्लॉक तत्व हैं वो सब उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जो एफ ब्लॉक तत्व हैं उनमें रेडियोएक्टिविटी का गुण पाया जाता है। जो आपके एफ डी ब्लॉक तत्व होते हैं वो रंगीन आयन और आपके रंगीन यौगिक बनाते हैं, ऐसे ही आपके जो एफ ब्लॉक तत्व हैं वो भी रंगीन आयन और रंगीन यौगिक बनाते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जो एफ ब्लॉक तत्व हैं बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं, लैंथेनाइड्स जो हैं वो प्रकृति में बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें रेयर एलिमेंट या रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं।